तो दर्शक भाई, हॉलैंड कंपनी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका जो पीछे हब रिडक्शन जो आता है उसमें या तो एयर पास होने के लिए कोई ब्रीथर लगाया जावे या फिर उसका कोई सल्यूशन निकाला जावे। नमस्कार दर्शक भाइयों। तो दर्शक भाइयों, आज 3630 की वीडियो लेकर आए हैं सुपर की, और मोहित का ट्रैक्टर है मोहित 3630 का। काफ़ी लोग जानते होंगे मोहित को, और 7 फीट का सत्यम का रोटावेटर है और 15-20 की करा रही हैं। लगभग 100 RPM ड्रॉप करके चल रहा है ट्रैक्टर, रोटर पंप ट्रैक्टर है और लीवर फुल डाउन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। गहराई काफ़ी लेके चलता है रोटावेटर, लगभग 6 से 7 इंच की गहराई लेके चलता है। काफ़ी मतलब थोड़ी मट्टी तो कम बारीक करेगा लेकिन गहराई में कसर नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। देख सकते हो आप, दर्शक भाइयों 50 HP में आता है ट्रैक्टर और 16 के टायर हैं पीछे, और इसके टायर बाहर निकाले हुए हैं, देखना आपकी बार पीछे से। देख सकते हो कितना बाहर है टायर। दर्शक भाइयों प्रदर्शन देखो ट्रैक्टर का। बाकी कुछ भाई कह देंगे कि जुते हुए खेत में चला रहे हो, तो दर्शक भाइयों जुते हुए खेत में ही ज़्यादा जोर पड़ता है ट्रैक्टर पर। देख सकते हो आप प्रदर्शन, बिना जुते हुए खेत में रोटावेटर में जब जोर पड़ता है, जब साइड के दोनों तरफ रोटावेटर जुती हुई जमीन में आ जाता है और बीच में बिना जुती हुई में। बाकी हॉलैंड ट्रैक्टर में मुझे तो कोई कमी नहीं लगी नहीं इसमें, मुझे बस एक कमी लगी इस ट्रैक्टर में, जैसे रेगुलर चलाते हैं हम 12-13 घंटे इसे डेली ऐसे ही चला देते हैं तो इसके पीछे से सील लीक कर देता है। तो दर्शक भाई, हॉलैंड कंपनी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका जो पीछे हब रिडक्शन जो आता है उसमें या तो एयर पास होने के लिए कोई ब्रीथर लगाया जावे या फिर उसका कोई सल्यूशन निकाला जावे, क्योंकि इसका जब रेगुलर ट्रैक्टर चलता है तो सील लीक हो जाती है इसकी। क्योंकि जब भी मोहित ने लगातार ये 12-13 घंटे ट्रैक्टर चलाया, जब इसकी सील लीक हुई है, इसका जो बोल्ट है उसे खोल के इसकी हवा निकालनी पड़ती है हब की, क्योंकि किसान के पास इतना टाइम रहता नहीं है जो बार बार हवा निकाले, तो ये सब समस्या आती है इसमें। तो दर्शक भाई, बाकी तो मुझे इस ट्रैक्टर में कोई कमी लगी नहीं। तो दर्शक भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, धन्यवाद।